हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट रांची क्लासेस। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं यूजीसी नेट पेपर वन का क्लास के लिए। इसका पेपर वन का यूनिट वन स्टार्ट किया हम लोग, लगभग ये लास्ट क्लास है। इसके बाद एक दो क्लास और आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी फुल फ्लेज क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इवैल्यूएशन सिस्टम, कि जब लर्नर्स को टीच किया जाता है, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देता है, सिखाता है, पढ़ाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इवैल्यूएशन भी करना होता है लर्नर्स का, सो दैट कि ये पता चल सके कि लर्नर्स कितना सीखा है, कितना बाकी है, किस एरिया में उसका वीक पॉइंट है, किधर और सुधार करना चाहिए। तो ये सब इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है एक इंस्ट्रक्टर को। तो जब आप भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसका इवैल्यूएशन भी करना होगा टाइम टू टाइम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में क्या होता है, इसका टाइप्स भी देखे थे, और दो बेसिस पे टाइप्स हम लोग देख चुके थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का, क्या है आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। दो टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में ही कवर कर चुके थे, जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दिए हुए हैं, उसको क्लिक करके व्यू कर लेंगे, तब ये क्लास को समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस में जब इवैल्यूएशन किया जाता है लर्नर्स का, तो इसमें कितने टाइप्स का होता है, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, ये क्राइटेरियन रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि इट इज यूज टू असर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विथ अदर पर्सन। मीन्स ये होता है कि एक पर्सन का परफॉर्मेंस का जब हम लोग मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उसका इवैल्यूएशन या नॉलेज स्किल उसका थिंकिंग प्रोसेस वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करता है, दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म्स रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस। इसको कि जब एक इंडिविजुअल का मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसका मेजरमेंट किसी अदर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज जनरली यूज्ड इन कम्पिटिटिव एग्जाम। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आप कभी कभी 80% लाते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कभी कभी 30% ला के भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप 45% 50% या 33% लाते हैं, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, तो आप सभी लोग पास कहलाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। जो 33% ला देगा या 45% ला देगा, कोई फेल नहीं होगा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देते हैं, आप लोग देते होंगे, तो आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर 100 सीट्स है और 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, उसमें से सिलेक्शन किसका होगा, ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इसमें वैरी कर रहा है ना, कि जो कभी कभी सुने हुए कट ऑफ हाई चला गया, कट ऑफ लो चला गया, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस वैसे मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव मेजरमेंट या रेफरेंस बोलते हैं। आया समझ? ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, इट इज यूज टू असर्टेन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट डोमेन। मतलब कि वो पर्सन कितना अचीवमेंट किया है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया में हम लोग बांट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में उसका मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी का जॉब के लिए सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर अगर इंटरव्यू वगैरह होता है, तो सिर्फ सिलेबस से नहीं पूछा जाता है। सिलेबस तो पता है इंटरव्यूअर को कि सिलेबस आपने पढ़ के आया है, वो क्या पूछता है, आपका एबिलिटी पूछता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस पूछता है, आपका बॉडी लैंग्वेज मेजरमेंट करता है,
बहुत सारा क्राइटेरिया में डिवाइड करके तब रेफरेंस करता है, मेजरमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के बेसिस पर लर्नर्स का इवैल्यूएशन कैसे होता है? तो पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा है अचीवमेंट टेस्ट, चौथा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। चार टेस्ट इसमें होता है पर्पस के बेसिस पे। अगेन डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कि इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। कैसा इवैल्यूएशन होता है? क्रिटिकल मतलब बिल्कुल डेप्थ इवैल्यूएशन होता है उसका, कोई स्पेसिफिक एरिया का, ओवरऑल नहीं होता है। ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बट क्रिटिकल कोई पार्टिकुलर एरिया में किधर वीकनेस है उसको इवैल्यूएशन करते हैं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड और आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टैलेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क और स्पेशल कोर्सेस, यानी कि हम लोग कोई स्पेशल टास्क के लिए या स्पेशल कोर्स में एंट्री करने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं कि उसका थिंकिंग क्या है, प्रायर नॉलेज क्या है, उसका पोटेंशियल टैलेंट क्या हो सकता है, उसको आज कितना जानता है, उसके पास नॉलेज है, आगे उसको सिखाया जाएगा तो लर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। इसमें लर्नर्स का अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है कि वो कितना अचीवमेंट किया है, क्या लर्न किया है, कितना नॉलेज रखता है, कितना मींस कि किस सिचुएशन में वो क्या कर पाता है, वो सब का टेस्ट लिया जाता है, उसको अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे। फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या मेजर किया जाता है? इट इज यूज्ड टू मेजर एबिलिटी ऑफ लर्नर्स टू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है उसमें क्या रिएक्ट करता है। जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो कभी आपने सुना होगा कि इरिलेवेंट सवाल पूछ देता है जो इंटरव्यूअर होता है, आपका कहाँ से कहाँ का सवाल पूछ देता है, तो उसको क्यों पूछता है वो, ताकि ये समझ सके कि किस सिचुएशन में क्या जवाब दे पाते हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं या जो लर्नर्स हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, ग्रेडिंग सिस्टम से भी हम लोग लर्नर्स का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें दो होता है, इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट उसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, उसका जवाब देगा, या उसको ग्रेडिंग दे सकते हैं तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग। इनडायरेक्ट में क्या होगा, पढ़ाया कोई और है भाई, एग्जाम कोई और लिया और आपका ग्रेडिंग कोई और दे रहा है, इवैल्यूएशन कोई और कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो अपलोड हो चुका है, लगभग ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएगा जो कि स्वयं प्रभा या नया नया जो भी सिलेबस में मॉडिफाई हुआ है वो सब देंगे, क्लास प्रोवाइड कराएंगे, और इसके बाद MCQ वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का, और इसका PDF भी देने वाले हैं। अच्छी खुशखबरी है कि PDF भी देंगे और इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, आंसर भी बताएंगे कैसे आंसर हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।